हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे मनैको बिस्किट बाइट्स। मनैको बिस्किट बाइट्स कई तरह से बनाए जाते हैं, मैं आपको चार तरह से बना के बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन या कढ़ाई ले लें। 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, 1 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया है ये इसमें डालेंगे, 1/4 कप बारीक फोड़ा हुआ पनीर डालेंगे, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, 2 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। चाट मसाला की जगह आप अमचूर पाउडर या नींबू भी डाल सकते हैं। स्टफिंग बन गई है, गैस को बंद कर देंगे, स्टफिंग को ठंडा होने देंगे, इतनी देर में आगे की तैयारी करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे पिज्जा मनैको बाइट्स। देखिए ये मनैको बिस्किट्स लिए हैं। ये देखिए, ये मैंने तीनों कलर की शिमला मिर्ची, थोड़े से उबले हुए कॉर्न और मोज़रेला चीज़ को पिज़्ज़ा सॉस के साथ मिला लिया है। आपको जो भी अपनी पिज़्ज़ा टॉपिंग्स पसंद है आप वो ले लें और मोज़रेला चीज़ और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस के साथ उनको मिला लें। पिज़्ज़ा मनैको बाइट्स बनाने के लिए बेकिंग ट्रे ले लें, जितने भी आपको बिस्किट बनाने हैं उतने बिस्किट ले लें। अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी टॉपिंग रखेंगे। ये मोज़रेला चीज़ है, थोड़ी थोड़ी ऊपर से मोज़रेला चीज़ और डाल देंगे। एक एक इनके ऊपर ऑलिव रख देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो रख दें। इनके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे। अब इनको मैं माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे 5 मिनट के लिए चीज़ मेल्ट होने तक बेक करूँगी। अगर आपके पास कन्वेक्शन वाला माइक्रोवेव नहीं है तो आप इनको तवे पे धीमी गैस पे कवर करके भी बेक कर सकते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा मनैको बाइट्स बन गए हैं, अब नेक्स्ट वाले बनाएंगे। अब बनाएंगे चटपटे मनैको बाइट्स। ये जो हमने स्टफिंग तैयार की थी ठंडी हो गई है, अब इससे बिस्किट से साइज चेक कर लेंगे, इस साइज के टिक्की बना लेंगे। ये देखिए टिक्की बन गई है, अब इनसे तैयार करेंगे मनैको बाइट्स। इसके लिए हम 2 बिस्किट एक के लिए यूज करेंगे। बिस्किट को ये इस तरफ अंदर वाली तरफ में 1 टिक्की लेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे और दूसरा बिस्किट लेंगे, ये वाली साइड अंदर रखनी है। हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे ताकि बिस्किट स्टफिंग के साथ चिपक जाए, इस तरीके से। ये टमाटो केचप है, स्टफिंग के ऊपर टमाटो केचप लगाएंगे। ये देखिए ये आलू भुजिया है, अब इसके ऊपर इस तरीके से आलू भुजिया लगा देंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा मनैको बाइट तैयार है। इसी तरह सभी पीस तैयार कर लेंगे। ये देखिए चारों बन गए हैं, अब इसके सेंटर में भी थोड़ा सा केचप रख देंगे। हमारे चटपटे मनैको बाइट्स भी बनके तैयार हैं। अब बनाएंगे कॉर्न चाट मनैको बाइट्स। चटपटे कॉर्न मनैको बाइट बनाने के लिए मैंने 1/4 कप उबले हुए कॉर्न लिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून चिली मेयोनीज डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डालेंगे। अब इससे मनैको बाइट्स तैयार करेंगे। ये देखिए ये चीज़ स्लाइस है, इसको मैंने एक स्लाइस में से 4-4 पीस कर लिए हैं।
इसको एक एक को बिस्किट के ऊपर रखेंगे और जो हमने ये कॉर्न तैयार किया है ये इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रख देंगे। थोड़ा थोड़ा हरा धनिया इससे गार्निश करेंगे। ये देखिए हमारे चटपटे कॉर्न मनोके बाइट्स भी बनके तैयार हैं। अब नेक्स्ट बनाएंगे। ये देखिए पनीर को मैंने इस तरह से गोल काट लिया है। ये आप किसी भी ढक्कन से काट सकते हैं या आपके पास कुकी कटर है तो कुकी कटर से भी काट सकते हैं। ये चीज स्लाइस है, एक एक बिस्किट पे चीज स्लाइस रखेंगे, इसके ऊपर पनीर का पीस रखेंगे, थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे। अब इसके ऊपर एक एक खीरे का पीस रखेंगे। ये देखिए ये ऑलिव्स हैं। एक टूथपिक लेंगे, ये बेल पेपर है। खीरे के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे। अब टूथपिक को इसमें लगा देंगे। ये देखिए हमारा ये सैलेड मोनाको बाइट भी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारे चारों तरह के मोनाको बाइट्स बनके तैयार हैं। मोनाको बाइट्स हल्की फुल्की भूख में शाम के चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।